तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये एक सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है। मैंने पार्टिकल मूव इन अ सर्किल विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इसकी स्पीड का क्या मतलब होता, अगर कोई सर्कल पे दौड़ रहा है 100 किलोमीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना, तो वो हमेशा 100 से ही दौड़ता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है। तो इट्स वेलोसिटी एंड एक्सलेशन बोथ आर कॉन्स्टेंट। देखो, अगर वेलोसिटी इस पॉइंट पर देखोगे, यहाँ पर जहाँ बॉल है वहाँ पर वेलोसिटी v1 इधर है, और यहाँ पर आएगा तो v1 इधर हो, v2 इधर होगा, यहाँ पे आएगा तो टेंजेंट होता है ना, v3 इधर होगा। तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी तो अलग अलग है ना भाई। तो अगर तुम वेलोसिटी देखोगे तो v1 इज नॉट इक्वल टू v2 इज नॉट इक्वल टू v3। ये वेक्टर है, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन v1 मॉड बराबर है v2 मॉड और बराबर है v3 मॉड। जैसे मैंने अभी 100 ले लिया था, तो 100 किलोमीटर पर सेकंड आप कुछ भी ले सकते हो। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, वेलोसिटी है और एक्सलेशन भी कांस्टेंट नहीं है। एक्सलेशन यहाँ पर सेंटीपीटल एक्सलेशन इधर था, a1 सेंटर की तरफ, इसकी वैल्यू क्या थी, b² ओवर r। यहाँ पर था तो इसकी वैल्यू क्या थी, a2, दैट इज यहाँ पर b², यहाँ भी r था मैग्नीट्यूड में, यहाँ था तो इसकी a3, दैट इज v² ओवर r। तो देख रहे हो, हर पॉइंट पर यहाँ पर एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, नो डाउट वो सेंटर की तरफ है, लेकिन डायरेक्शन तो वेरिएबल है ना। अगर IJK में लिखोगे और एक सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर हर पॉइंट पर यहाँ पर एक्सलेशन लिखोगे a1, और यहाँ पर एक्सलेशन लिखोगे a2, और यहाँ पर एक्सलेशन लिखोगे a3। तो हर पॉइंट पे तो अलग अलग ना, a1 बराबर होगा v² वेक्टर में लिखोगे v² r, i कैप माइनस i कैप, और यहाँ पे a2 है तो a2 बराबर होगा यहाँ पे, सॉरी, प्लस i कैप, a2 बराबर होगा माइनस v² r i कैप, और a3 बराबर होगा, a3 वेक्टर बराबर होगा v² r j कैप माइनस j कैप, क्योंकि वो नीचे आ रहा। तो डायरेक्शन में वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है एक्सलेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात है। इट्स एक्सलेशन इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत बात है। एक्सलेशन मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है। बोथ वेलोसिटी एंड एक्सलेशन आर चेंजिंग, ठीक है ना। थैंक यू।